हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शहदाज फैशन हब। दोस्तों, आज मैं 2 मीटर कपड़े में आपको कलीदार फ्रंट स्लिट कुर्ती काट के दिखाऊंगी, एक्सेल साइज़ की, और लेंथ रखेंगे हम लगभग 46। जी हाँ, 2 मीटर में निकालेंगे हम फुल लेंथ कुर्ती। तो देखिए, यहाँ पे जो 2 मीटर कपड़ा है इसे मैंने 4 फोल्ड में रखा है किनारी से किनारी मिलाकर, और ये पूरा 19.5 है, यानी कि पूरा 2 मीटर कपड़ा है। और ये है कपड़े की चौड़ाई, तो ये चौड़ाई लगभग 34 है। जी हाँ, मेरे कपड़े का जो अर्ज है बहुत कम है, पना जिसको कहते हैं। देखिए, मैं नाप के दिखा रही हूँ, ये पूरा 34 इंच है। और अगर आपका अर्ज 42-40 तक भी है तो आपकी कुर्ती का घेर और भी ज़्यादा अच्छा निकलेगा। बस अब करना क्या है वो ध्यान से देखिए, कपड़े की किनारी से किनारी को इस तरह से मिलाना है। और ये देखिए, डबल हो गया कपड़ा। अब यहाँ पर हमें पहले तो देखिए, जो ये कान है, ये हल्का सा जो कपड़े का किनारी है, इसे कट करके हटा देंगे ताकि सीधा हो जाए कपड़ा। अब इस डबल कपड़े को हमने एक बार चौड़ाई में यानी अर्ज में मोड़ा। पहले मैंने लंबाई में इसको किनारी से किनारी मोड़ी, उसके बाद चौड़ाई में एक बार मोड़ा, और उसके बाद हमें इसमें जितनी चोली की यानी कि जो हमारे टॉप पार्ट की लंबाई रखनी है उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया। तो मैं 15 इंच पे लगा रही हूँ। यहाँ पे तैयार हमारा 14 इंच होगा वो अपर पार्ट। तो 15 इंच पे इस तरह से निशान लगाकर हम ये पीस कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पीस कट हो जाएंगे क्योंकि हमने कपड़ा लंबाई में डबल फोल्ड किया हुआ था। तो इतना पार्ट हम पहले ही कट करके अलग कर लेंगे, और ये देखिए ये अलग कर देंगे, इससे हम बाद में बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो ये जो हमारा अपर पार्ट कट हुआ है, तो ये मैंने चौड़ाई में पूरा कट कर रखा है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले तो इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे, और उल्टा फोल्ड कितना करेंगे, जितना हमें अपनी चेस्ट साइज़ जितना है उसमें हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे जो तैयार नाप है मेरी 42 की 1/4 10.5 इंच, तो 10.5 में मैंने 1.5 इंच प्लस किया है, 12 इंच यानी हो गया। तो 12 इंच पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है ये हम कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 पीस आगे और पीछे के एक साथ कटिंग करके तैयार करेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम बाद में स्लीव्स निकालेंगे। तो देखिए, जो ये फोल्डेड साइड है ये मेरी तरफ रखा हुआ है, खुला हुआ हिस्सा अपोजिट साइड में है। यहाँ पे तीरे का नाप यानी शोल्डर लगाया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लगाया 7.5 इंच, और ये इस तरह से निशान लगा के एक ब्लॉक तैयार कर लिया। देखिए, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, सॉरी थोड़ा सा शूटिंग में प्रॉब्लम हो गई है इस बार, तो उसके लिए थोड़ा सा बेयर करिएगा। तो 7 इंच मैंने रखा शोल्डर, 7.5 इंच रखा मैंने आर्म होल, और उसके बाद मैंने चेस्ट का निशान लगा दिया 10.5 इंच पर। अब ऊपर से मैंने 10 इंच पे एक निशान लिया, और इस 10.5 के निशान को सीधा सीधा, क्योंकि बस पॉइंट हमारा लगभग 10-10.5 इंच तक रहता है, तो 2.5 इंच मैंने नीचे एक निशान लगा के 10.5 तक सीधा सीधा लिया। उसके बाद नीचे मैंने लिया कमर का नाप जो है 9.5 इंच, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया प्लेट के लिए, और 10.5 पे इस तरह से मिला के सीधा सीधा मिला दिया। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है वो हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। आर्म होल के लिए मैंने 1 इंच अंदर एक निशान लिया है, वो हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा। जो बाहर वाला निशान हमने लगाया था वहाँ मैंने 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लिया है, और इस तरह से इंची टेप को हाफ करेंगे, और यहाँ से हम इस तरह से आर्म होल को शेप दे देंगे। तो इस तरह से आप बिना किसी आर्म होल कर्व के आसानी से शेप दे सकते हैं। अंदर वाले निशान में मैंने 1/4 इंच इस तरह से तिरछे में निशान लिया, और फिर इसी तरह से कर्व देकर इसे मैंने निशान लगा दिया। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। अब मैंने नेक का निशान लगा रही हूँ, नेक की सिर्फ चौड़ाई लगा रही हूँ, तो वो मैंने 2/3/4 पे लगाई है, तैयार हमारा 3 इंच आ जाएगा। और इस तरह से शोल्डर इंच को मैंने 1/2 इंच डाउन कर दिया है। तो सबसे पहले हम नेक के निशान पे इस तरह से कट लगा देंगे, नेक हम बाद में कट करेंगे। तो नेक हमेशा बंद वाले साइड में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो हमने शोल्डर का कट किया, उसके बाद आर्म होल जो हमने बाहर वाला लगाया है निशान यानी बैक का, वहाँ से कट करेंगे, और इस तरह से जो बचा हुआ कपड़ा है वो हमारा हो गया सिलाई का मार्जिन। अब यहाँ एक फिटिंग का निशान दे देंगे इस तरह से। अब इस पे हमें लगाना है प्लीट्स का निशान, इसमें मैं प्लीट डालने वाली हूँ आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से में। तो उसके लिए मैंने 1 इंच देखिए एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन कमर के में,
तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं बैक साइड का पहले, तो ये 4 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लिया और ऊपर से ले रही हूँ 11 इंच पर निशान, और 4 इंच पर इस तरह से लेकर एक मार्क कर लेंगे। और इस तरह से ये देखिए इस निशान के दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच इस तरह से मार्क करना है, और इस तरह से हमारी ये 1 इंच की एक प्लेट तैयार हो जाएगी। सेम निशान हम चौक की सहायता से पीछे वाले हिस्से पे भी ले लेंगे ताकि एक सा हमारा प्लेट पड़े, बार बार निशान ना लगाना पड़े। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग अगर आप पहले से कर लेंगे तो सिलाई के समय बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए ये पीछे के प्लेट्स का निशान लगा दिया है मैंने। अब हमें आगे का निशान लगाना है। तो आगे का निशान लगाने के लिए देखिए जितना चेस्ट है उसका 10वां भाग लेंगे, तो 42 है तो मैंने 4.25 यानी 4.2 इंच लिया है, और ऊपर से लेंगे हम चेस्ट का चौथा हिस्सा 10.5 इंच। और इस तरह से एक निशान लेने के बाद इस निशान को मिला देंगे और आधा आधा इंच दोनों तरफ डिवाइड करके ये प्लेट बना लेंगे। तो ये हमें दोनों तरफ बनानी है। आगे वाले पोर्शन में जितना जैसे निशान हमने इधर लगाया है सेम निशान हम बैक साइड में भी ले लेंगे। तो यहाँ मैं कट लगा देती हूँ। अब देखिए हमें कली कट करनी है, तो यहाँ पर जो कली हम कट करेंगे वो हम 6 कट करने वाले हैं, 6 कलियों का सूट बना रहे हैं। तो देखिए जो हमारी प्लेट आएगी, प्लेट से प्लेट तक सेंटर की कली रहेगी, और जो प्लेट के बाहर का हिस्सा है वहाँ हमारी एक कली आएगी। तो यहाँ पर क्योंकि कपड़े का अर्ज कम है तो मैं कलियों में इतना सिलाई मार्जिन नहीं लूँगी, 1.5 इंच का जितना मैंने यहाँ लिया है। तो यहाँ पे जो हमने प्लेट तक का पार्ट कट किया था वहाँ पर मैंने निशान 4.25 मार्क कर लिया है। अब देखिए हमें प्लेट जो हमें कलियाँ कट करनी है वो कैसे करेंगे। तो देखिए जो कपड़ा है इसकी लंबाई से अगर हम निकालेंगे तो लंबाई में हमारी कलियाँ पूरी लेंथ वाइज नहीं निकल पाएंगी, जो कि मुझे 46 इंच की कुर्ती चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, लंबाई में मैंने एक बार फोल्ड किया फिर उसको डबल फोल्ड किया, यानी 4 तह हो गई कपड़े की। तो जो कपड़े की किनारी है उसे देखिए मैंने ऊपर रखा हुआ है, और जो कपड़े की अर्ज थी 34 इंच उसे मैंने लंबाई में रख दिया है, क्योंकि कुर्ती का प्रिंट इस तरह का है कि इसे हम आड़ा या सीधा कैसा भी बनाएं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखें जब भी इस तरह की कुर्ती बनाएं प्लेन कपड़े में या कुछ इस तरह का प्रिंट हो जो ऊपर या नीचे कोई भी फर्क ना आए, तभी आप इस तरह से बनाएं। तो देखिए जो सेंटर की कली थी वो 4.25 इंच थी, तो जो फोल्डेड हिस्सा है जिधर दोनों हिस्से फोल्ड हैं उधर की तरफ मैंने 4.25 इंच लगाया, और जिधर खुला हिस्सा था वो मैंने रख दिया है कली के चौड़ाई के लिए, नीचे की चौड़ाई के लिए। अब जो प्लेट से दूसरा हिस्सा है देखिए वो कितना आया है उसे मेजर कर लेंगे, और उसमें हम साइड की सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच या 1.5 इंच, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.25 इंच सिर्फ सिलाई मार्जिन रख रही हूँ। तो देखिए जितना आया मैंने निशान लगाया उसके अपोजिट साइड, तो ये मैंने खुली तरफ से लगाया है। और अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से तिरछा टेप रखकर इस तरह से मैंने मिला दिया है। ये देखिए इस तरह से तिरछा मैंने मिला दिया। पहले निशान लगाया मैंने बंद तरफ से, और जो नीचे निशान लगाया वो मैंने लगाया खुली तरफ से नाप के। तो देखिए ये 4 कली हो गई खुली की तरफ से, और जो हमने सेंटर वाला पार्ट निकाला है वो फोल्डेड हिस्सा है, तो जब वो खुलेगा तो डबल हो जाएगा। ये देखिए आप इस तरह से, तो ये 4 कलियां हैं, इनमें से 2 उठा के हम सेंटर वाली कली के दूसरे साइड में रख देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है जो सीधा हिस्सा है उसे हम मिलाएंगे बीच वाली कली के तिरछे हिस्से पर, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, तिरछे से तिरछे को नहीं मिलाएंगे। जो बीच वाली कली है वो तिरछी कटी हुई है, तो हम सीधा वाला जो पार्ट था हमारी कली का वो हम इसमें मिलाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, सेंटर वाली कली है उसमें देखिए मैंने इस तरह से सेंटर में नॉच दे दिया ताकि मुझे पता रहे ये ऊपर का हिस्सा है, और इसी तरह से जो साइड की कलियां हैं इसमें भी मैं साइड में इस तरह से नॉच दे रही हूँ ताकि जब हम कली जोड़ें तो बिल्कुल हमें दिक्कत ना हो, हमें पता चलेगा ये ऊपर के हिस्से हैं और यहाँ से हमें कली अटैच करनी है। अगर आपका कपड़े का अर्ज ज़्यादा होगा तो घेर ज़्यादा बनेगा, तो हो सकता है आपको देखने से ही पता चल जाए। तो अब ये देखिए इसे कट कर दिया है मैंने और अलग रख लेते हैं।
और ये जो चोली कट की थी यानी टॉप पार्ट, उसके साइड में से जो कपड़ा बचा था दोस्तों, उसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। और ये देखिए, ये सिर्फ 7.5 इंच है और लंबाई इसकी 10 इंच आ रही है, तो लगभग 9 इंच की स्लीव तैयार हो जाएगी। अब जो हमने आर्म होल कट किया था, देखिए तो आर्म होल कट करने में जो कपड़ा बचा था ना, वो मैं यहाँ पे जोड़ लगा दूंगी, तो हमारी बहुत अच्छी स्लीव तैयार हो जाएंगी। तो देखिए, जितनी हमें चौड़ाई रखनी थी, 7.5 हमने आर्म होल रखा था, उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया यानी 9 इंच। तो ये देखिए, 9 इंच पे मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर रखा है, और जो कपड़ा कम पड़ रहा है वो मैं आर्म होल को इस तरह से रख दूंगी। अब आपको लग रहा होगा ये कपड़ा तो छोटा है, पर कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि अभी हमें स्लीव्स की गहराई देनी है। अभी आप देखिए, ये कपड़े को मैंने पलट के रख लिया है, क्योंकि उधर की साइड कपड़ा कम है, तो फोल्डेड साइड ऊपर है और जो खुला साइड है, खुले साइड से हमें 3 इंच पे इस तरह से डाउन में निशान लेना है, और इस तरह से ऊपर से देखिए 2 इंच के बाद से हम शेप देंगे, और इस तरह से एक जो एस का हल्का सा घुमाव होता है ना, एस की तरह से हम इसको मिला देंगे। अब देखिए, ये 8.5 पर इस तरह से तिरछा मैंने रखा और निशान ले लिया, तो ये हमें फिटिंग का निशान मिल गया। अब ये अंदर 0.5 इंच का जो मैंने अंदर गहराई में निशान लिया है, ये हमारा फ्रंट में आएगा फ्रेंड्स, और नीचे हमें स्लीव्स की गोलाई यानी मोरी का निशान लगाना है, तो जो है 6 इंच, और उसमें मैंने 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन भी रख दिया है, और इस तरह से अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से कट कर लिया। अब जो हमारा बाहर वाला निशान था वो हम कट करेंगे, इस तरह से गोलाई दे देंगे, ये हो गया। अब हमें सेंटर देखिए, इस तरह से हमने इसे पलट दिया। अब और जो हमारा ये आर्म होल वाला बचा हुआ कपड़ा था, उसे अब हम इसके ऊपर सेट करेंगे, तो यहाँ पे हम 0.5 इंच ऊपर इस तरह से चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें ये जोड़ लगाना है। अब जोड़ लगाने के बाद ये देखिए, पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली जो देखिए कटिंग है, बिल्कुल उसमें मर्ज हो जा रहा है। ये देखिए, 0.5 इंच मैंने चढ़ा के रख दिया, और इस तरह से जो एक्स्ट्रा है वो मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। और ये देखिए आप, शेप देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। और सिलाई करने के बाद हम देखेंगे, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो हल्की सी छटाई कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए, अभी मैंने आगे की गहराई नहीं दी है, ये मैं जोड़ने के बाद में दूंगी। तो स्लीव्स हमारी कट हो गई हैं, इस पे मैं सिर्फ फिटिंग का निशान दे रही हूँ। और इस तरह से नीचे मोरी पे भी निशान ले लेंगे। और इस तरह से ये स्लीव्स हमारी तैयार हो गई हैं, इसे हम अलग रख देते हैं। अब देखिए, अभी भी मेरे पास दो, हमने आर्म होल की कटिंग यूज़ कर ली, 2 आर्म होल के अभी भी बचे हैं, तो इसकी इस तरह से तिरछी पट्टियाँ काट के, अगर आपके पास कंट्रास्ट में कपड़ा नहीं है तो आप इसी से गले की पट्टियाँ भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इतनी सारी ये 5-6 पट्टियाँ हुई हैं, तो डबल हो जाएंगी आप जोड़ लगाएंगे तो, आराम से आप इसमें गला तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, कलियों को जोड़ना कैसे है, तो देखिए जैसे ये फ्रंट बैक पार्ट में पहले बता देती हूँ, ये बैक पार्ट का जो सेंटर वाली कली है उसके ऊपर मैंने साइड की एक एक कली रखी और पूरा नीचे तक हम सिल देंगे। और इसी तरह से देखिए फ्रंट साइड को कैसे सिलेंगे, तो फ्रंट साइड की जो सेंटर वाली कली है, ये देखिए मैंने बीच में नॉच दिया हुआ है, तो उसमें मैं राइट साइड की कली तो पूरी नीचे तक जोड़ दूंगी, लेकिन जो लेफ्ट साइड की कली है इसे मेरे को स्लिट देनी है, ओपन करना है। तो देखिए, मेरे को टोटल ये 27 इंच तक बंद करना है और बाकी का हिस्सा खोलना है। तो इसके लिए देखिए 14.5 इंच मैंने ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि हमारा टॉप पार्ट आएगा, और इस तरह से ऊपर से हम एक निशान ले लेंगे। 14.5 इंच छोड़ दिया और उसके बाद मैंने 27 इंच पे निशान ले लिया इस तरह से। तो यहाँ तक हम इस कली को जोड़ेंगे और नीचे का हिस्सा खुला छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रंट स्लिट तैयार हो जाएगी। तो देखिए, ये बैक पार्ट तैयार हो गया, ये नीचे का घेर है, और ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है, कुछ भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है हमारा फ्रंट का पार्ट, ये देखिए, इसमें राइट पार्ट मैंने पूरा जोड़ा है और लेफ्ट पार्ट को 27 इंच जहाँ हमने निशान लगाया था, लगभग ये 11 इंच है देखिए इस तरह से नापने पर, तो ये इस तरह से मैंने खुला छोड़ दिया बाकी का हिस्सा। अब इसे आप सिंपल इस तरह से भी डबल फोल्ड कर सकते हैं, जैसे आप चाक फोल्ड करते हैं कुर्ती के, बिल्कुल एज इट इज़ इसे भी आप मोड़ सकते हैं। पर मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा है, तो ये मैंने 1 इंच चौड़ी सीधी सीधी पट्टी कट कर ली है,
और मैं ये चाक पर लगाने वाली हूँ, जो सामने की स्लिट है इस पर ये लगाने वाली हूँ कंट्रास्ट कलर में। तो देखिए इसे कैसे लगाना है वो मैं दिखा देती हूँ। इसके अलावा जो हमने चोली कट की थी, तो उस चोली में जो हमने प्लेट का निशान डाला था वो प्लेट्स भी हम डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने प्लीट्स डाल ली हैं और इस तरह से ये चोली का हमारा नीचे का काम ख़त्म हो गया है। तो इसमें हम गले की मार्किंग करेंगे। तो इसे मैंने सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर देखिए हम निशान चौड़ाई का लगा ही चुके थे कटिंग का। तो यहाँ से मैं गहराई ले रही हूँ, ये बैक का चोली पार्ट है, तो बैक में मैं तैयार 8 चाहिए, तो मैं 8.5 पर निशान ले रही हूँ और बहुत ज़्यादा गहरा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे शोल्डर 7 इंच रखे हैं पूरे। तो यहाँ पे जो मैं गला बना रही हूँ, आप चाहें तो इस तरह से ब्लॉक बना के अपने मनपसंद गला बना सकते हैं, पर मेरे को ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए, बहुत फैला हुआ नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे वी शेप का गला दे रही हूँ। वी को हल्का सा मैंने कर्व दे दिया है, देखिए सीधा वी नहीं बनाया है, इस तरह से कर्व दे दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, पहनने में बहुत सुंदर लगता है। तो इसे हम कट कर देंगे, ये हमारा बैक साइड का गला हो गया। अब हम फ्रंट का तैयार करेंगे, तो सेम मेथड से मैं फ्रंट का गला कट करूंगी। फ्रंट के गले की जो लंबाई है वो कम रख रही हूँ, मुझे 6.5 चाहिए, तो मैंने 7 पे निशान लगाया है और फिर से इसी तरह का ब्लॉक बनाएंगे और सेम शेप रख रही हूँ मैं वी, और इस तरह से इसे भी कट कर लेंगे। यहाँ पे आप गला अपनी मर्जी से किसी भी तरह से बना सकते हैं। मैंने यहाँ बनाया है बिना बुकरम के, पट्टी से कैसे गला बनाते हैं, मुझे ये बहुत पसंद आता है इसका फिनिशिंग, और इसका मैंने स्पेशली वीडियो भी अपलोड किया हुआ है कि बिना बुकरम के गला कैसे तैयार करते हैं। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगी। तो गला मैं तैयार कर लूँगी सेम मेथड से, वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको चाक पे इस तरह से पाइपिंग देनी है तो आप कैसे देंगे। तो पाइपिंग के लिए भी दोस्तों मैंने अलग अलग वीडियो डाले हुए हैं कि अगर आपको घूम पाइपिंग लगानी है तो कैसे लगाएं। मैं यहाँ सिंपल लगा रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया बचा हुआ कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है मेरे पास। तो 2 इंच जो नीचे फोल्ड करने वाला हिस्सा है देखिए मैंने वहाँ छोड़ दिया है, और बस थोड़ा सा ही जहाँ से मोड़ना है मुझे उसके नीचे से, ज़रा सा बस नीचे से ही मैंने ये पट्टी लगानी शुरू करी है। जो 1 इंच की मैंने पट्टी कट की थी उसे मैंने जोड़ के लंबा कर लिया है, और जो ये पट्टी है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई ओरेप कटी हुई नहीं है, ये बिल्कुल सीधी पट्टी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे जोड़ लिया है। अब हम इसे इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको आपको 2 बार फोल्ड करना है। 1 बार करेंगे 1/4 इंच और उसके बाद फिर से 1/4 इंच, और इस तरह से ये बारीक पाइपिंग हमारी तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है कंट्रास्ट में, तो आप जैसे मैंने गला तैयार किया है डबल पाइपिंग, डबल कपड़े की मदद से, जो आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे बनाया है मैंने, तो उसी तरह से आप ये वाली पाइपिंग भी लगा सकते हैं, उससे भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं चलाएंगे, हमें कपड़े के ऊपर चलानी है। तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग लग चुकी है। सेम मेथड से मैं जो इसका राइट साइड है उधर भी लगा लूंगी। यहाँ पे ध्यान रखना है जहाँ से हमारे चाक खुले हैं वहां से मैंने 1 इंच ऊपर तक ये पाइपिंग लगाई है, ताकि जब खुले तो वो दिखाई ना दे। अब देखिए गला मैंने सेम बिना बुकरम की सहायता से यहाँ पे पाइपिंग लगाकर तैयार किया है, और आप फिनिशिंग देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए, कितना सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। अब यहाँ पे हमें इस तरह से अपने फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से फोल्ड करके एक सेंटर का निशान लेना है, क्योंकि अब हम इसे लोअर पार्ट के साथ जोड़ेंगे। तो लोअर पार्ट को भी मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया, और यहाँ तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं ऊपर वाली कली पर सेंटर का निशान, तो इस पर हम अपने टॉप पार्ट का जो सेंटर नॉच लिया उसे इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे, और इस तरह से पिन लगाने के बाद अब हम साइड से इसको, ये देखिए बिल्कुल जहाँ मेरी प्लीट का निशान है और जो कली का निशान है एग्जैक्टली सेम जगह पर आया है। तो नाप के बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने ऊपर से नीचे एक ही कटिंग की हुई है। अब यहाँ से हम इसे सीधा सीधा जोड़ देंगे। यहाँ पे प्लेट का जो दबाव है देखिए मैंने अपोजिट साइड में रखना है, एक को लेफ्ट की साइड किया है तो इसको राइट की साइड घुमा दिया है।
और इस तरह से सीधी सीधी सिलाई हमने लगा दी। इसी तरह से बिल्कुल मैं बैक पार्ट भी तैयार कर लूँगी। तो बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है, शोल्डर मैंने जोड़ लिए हैं और शोल्डर जोड़ने के बाद अब मुझे इसकी फिटिंग देनी है। तो देखिए यहाँ पे सेंटर एक निशान लगा लीजिए और इस तरह से जो भी आपकी फिटिंग का निशान है, जैसे मेरा 10.5 है तो मैंने 10.5 तक इस तरह से लगाया है। और यहाँ पे मैं सिर्फ कमर का चेक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लेट डाली थी हमने, तो ये देखिए ये बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से 9.5 देख रही हूँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हम इस तरह से ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। अब यहाँ से नीचे देखिए 6.5 इंच पे मैंने एक निशान लिया जो हमें हिप वाला पोर्शन होता है, तो मैंने, आप 7 इंच भी ले सकते हैं, हाइट कम होने पर 6.5 इंच पे भी ठीक आता है। तो यहाँ से हल्का सा तिरछा देते हुए इस तरह से मिला देंगे और आप चाहें तो इस तरह से सेंटर से निशान लगा के देख लें, जो आपका हिप का मार्जिन, जो आपकी नाप हो उसके अकॉर्डिंग भी निशान आप लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी मेथड से दूसरे साइड पे भी निशान लगा लेंगे और इस पे अब हम सिलाई चलाकर इसकी फिटिंग दे देंगे। तो अब मैं स्लीव्स दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसमें मैंने जोड़ लगा लिया है जो मेरे को लगाना था। अब जो ये ऊपर ऊंचा नीचा है हल्का सा, इसे हम कट करके हटा देंगे। मैंने आपसे बताया था पहले जोड़ लगाएंगे और अगर हमें फिटिंग की ज़रूरत हुई तभी हम इस पर कटिंग करेंगे। नीचे मैंने इस तरह से 1/4 इंच फोल्ड करके सीधा सीधा मोड़ दिया है। अब हमें इस पे निशान लगाना है फिटिंग का। तो देखिए नीचे मुझे जो मोरी रखनी थी वो 6 इंच रखनी है, तो ये 6 इंच पे निशान लिया। और ऊपर से हमें लेना है ये 8.5 पर और इस तरह से इसको हम तिरछा मिला देंगे। अब देखिए ऊपर भी हल्का सा, देखिए आप देख आपको कपड़ा निकला दिख रहा होगा, तो ये मैं कट करके इस तरह से इसको ठीक कर दूंगी। और उसके बाद अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई डालेंगे। अब ये फिटिंग की सिलाई मैं डबल दे दूंगी ताकि ये पक्की हो जाए। और इसके बाद अब इसे जोड़ना कैसे है देखिए, जो फिटिंग जो फ्रंट की कटिंग थी ये ध्यान रखना है फ्रंट में ही आनी चाहिए। अब इसको मैंने सीधा किया स्लीव्स को और सीधा करने के बाद इसे हम आर्मोल के अंदर डाल देंगे। और आर्महोल के अंदर डालने के बाद ये देखिए इस तरह से ये सिलाई से सिलाई को मिला दिया हमने। और जो हमने सेंटर नॉच लिया था स्लीव्स में यानी बीच का निशान, उसे हम मिलाएंगे अपने शोल्डर से। तो मैं हमेशा स्लीव्स शोल्डर की तरफ से ही जोड़ती हूँ। तो ये देखिए शोल्डर से, शोल्डर को मैंने उस कटिंग वाले निशान से मिला दिया जो बीच का निशान था। और इस तरह से इसको गोलाई में हल्का हल्का सा थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते हुए गोलाई में इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है ना आपको स्लीव्स खींचनी है और ना ही आपको आर्महोल को खींचना है। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बराबरी से आपका ये आर्महोल जुड़ेगा। ये देखिए मैं आपको पूरी स्लीव्स जोड़ के दिखा रही हूँ, इसीलिए ये देखिए आप उसी मेथड से कटिंग करिए, ना आपका स्लीव्स ज़्यादा पड़ेगी ना ही कम पड़ेगी। ये देखिए ये पूरी गोलाई में जुड़ गई और स्लीव्स मैं सीधी करके भी अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारी फुल साइज की, इसकी जो लंबाई तैयार हुई है दोस्तों वो हुई है 46 इंच। और इस तरह से सामने की स्लेट मैंने ये खोली है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है इसकी क्योंकि मैंने प्लीट्स भी डाली है। और अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी बनाई हुई कोई भी ड्रेसेस अगर आप बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसे मेरे फेसबुक पेज पे शेयर करिए, श्रद्धाज फैशन हब पर। मैं ज़रूर उसे अपनी स्टोरी पर शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने पहचान वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसी तरह मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।